फ्रेंड्स वेलकम टू ए स्टार क्लासेस आज हम बात करने जा रहे हैं राज्यों से संबंधित प्रमुख लोकप्रिय नृत्यों के बारे में यानी भारत में स्टेट वाइज जितने भी प्रमुख लोकप्रिय नृत्य हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे साथ ही उनके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा तो आप हमारे वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनको हमारे वीडियो के माध्यम से फायदा मिल सके चलिए बढ़ते हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे स्टेट वाइज सबसे पहले मैं आपको उत्तर यानी नॉर्थ से बात करूंगा नॉर्थ जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया फिर हिमाचल प्रदेश हो गया पंजाब हो गया उत्तराखंड हो गया फिर नीचे जैसे ही हम आएंगे मैप के अकॉर्डिंग उसी तरीके से हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोकप्रिय नृत्य में हैं मंदजास दमाली हिकात डंडी नाच और कूद दोस्तों अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियो की पैड जितनी भी अभी तक वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और जितनी भी आगे अपलोड होंगी उन सभी की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है इसलिए आप इसे पूरा और ध्यान से देखिएगा जम्मू कश्मीर के मैंने आपको बताया मंदजास दमाली हिकात डंडी नाच और कूद इनके अलावा भी कुछ स्थानीय लोक नृत्य भी जम्मू कश्मीर में हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों पांचों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हैं आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य में हैं छपेली महातु धमान डंडा नाच डफ नटी आगे चंबा आगे थाली डागी इनके अलावा भी स्थानीय हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य पाए जाते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पंजाब की भांगड़ा पंजाब का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ये लोक नृत्य है पंजाब का क्या भांगड़ा भांगड़ा के बाद आता है गिद्धा फिर धमान और डफ डफ के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इसे हिमाचल प्रदेश में भी ये वहाँ का भी लोकप्रिय नृत्य है आगे बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में उत्तराखंड में एक ज़िला है गढ़वाल और कुमायूं इन दोनों के नाम पे वहाँ का स्थानीय लोकप्रिय नृत्य है कौन कौन सा गढ़वाली और आगे कुमायो रासलीला ये काफ़ी राज्यों में रासलीला काफ़ी राज्यों में ये लोकप्रिय है जैसे कि उत्तर प्रदेश में गुजरात में इनके अलावा उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में भी रासलीला काफ़ी प्रचलित है इसके अलावा कजरी झोरा और चपादी इनके अलावा और भी बहुत सारे उत्तराखंड में लेकिन जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट लोकप्रिय हैं उनके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं राजस्थान की राजस्थान में लोक नृत्य हैं झूमर कौन कौन सी झूमर आगे है पनियारी घापाल गड़गौर नेजा फूंदी जिंदाद और आदि बात करते हैं हरियाणा की हरियाणा में भांगड़ा और हरियाणवी कौन सा भांगड़ा और हरियाणवी हरियाणा ये आपको पता पंजाब के पास में पड़ता है और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है चंडीगढ़ में भी भांगड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए हरियाणा मे भी भांगड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको याद रखना है हरियाणवी ये भी वहाँ की लोक नृत्य हैं आगे बात करते हैं हरियाणवी एक लोक गायन भी है बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में नौटंकी क्या नौटंकी रासलीला आपको याद रखना है रासलीला मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया कजरी इसके बारे में भी मैंने आपको पहले मैंशन किया था उत्तराखंड में झूला जे आगे है जै जैता चात्री जद्दा इसके अलावा भी कई सारे स्थानीय लोकप्रिय लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश में आगे बात करते हैं बात करते हैं गुजरात की गुजरात में गरबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गरबा आपको देखना है गरबा और डांडिया ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है रासलीला मैंने आपको बताया रासलीला देखिए यहाँ भी गुजरात में भी है उत्तर प्रदेश में भी है उत्तराखंड में भी था इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी रासलीला ये प्रचलित है बात करते हैं लासिया की लास्य आगे है पढ़िहारी और भवई इनके अलावा स्थानीय कुछ नृत्य भी हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में भी है मैं आपके साथ इस वीडियो में मैंशन कर रहा हूँ आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं महाराष्ट्र में है गफा लावड़ी नकटा कोली गौरीचा मौनी पवाड़ा लेजम बोहदा लेझिम ललिता और तमाशा आदि आदि मतलब आदि हम मैंने इसलिए लगाया कि जिस स्टेट में इन सभी लोक नृत्यों के अलावा और भी ज्यादा लोकप्रिय नृत्य हैं जो स्थानीय लोग उस स्थानीय लोगों में ज़्यादा प्रचलित है वहाँ पे आपको आदि देखने को मिलेगा आगे बात करते हैं झारखंड की झारखंड के कुछ लोकप्रिय नृत्य हैं जैसे डांगा हो गया छऊ जट जटिन हो गया सरहुल हो गया आगे कर्मा विदेशिया और सोहराई आगे बढ़ते हैं बात करते हैं छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ ये झारखंड के पास में पड़ता है इसलिए कुछ जैसे कर्मा इन दोनों में सेम है कर्मा झूमर पाली आगे है पंडवानी गौड़ी के बारे में मैंने आपको पहले बताया ये छ चा, ये झारखंड में भी था और छत्तीसगढ़ में भी है डागला हो गया दीवारी हो गया नवारानी हो गया और टपाली हो गया पश्चिम बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट लोकप्रिय नृत्य हैं जैसे गंभीरा हो गया जात्रा हो गया कीर्तन हो गया काठी हो गया ढाली हो गया मर्शिया हो गया और बाउल हो गया अब बात करते हैं उड़ीसा की उड़ीसा पश्चिम बंगाल में पास मरता है अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको मैप के अकॉर्डिंग जिस तरह से नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ जैसे आप बढ़ते हैं उसी तरीके से मैप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टेट मैंशन किया गया है बात करते हैं उड़ीसा की उड़ीसा पश्चिम बंगाल में पड़ता है उड़ीसा में उड़ीसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उड़ीसी इसे हाईलाइट किया गया है क्योंकि उड़ीसी एक शास्त्रीय नृत्य है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी धूमरा हो गया आया हो गया छऊ सवारी और मुड्री ये कुछ इंपॉर्टेंट उड़ीसा के लोक नृत्य हैं असम की बात करते हैं असम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहू आपको याद रखना है बिहू बिछुआ हो गया झुमरा होबजनाई और बोगुरुम्बा ये असम के कुछ इंपॉर्टेंट हैं इसके अलावा भी असम में है आगे बात करते हैं अंकिया नाट अंकिया नाट नट पूजा महाराष्ट्र खेल गोपाल आगे है खेल गोपाल अलग है और कली गोपाल अलग है नागा नृत्य नागा के बारे में आप जानते होंगे ये एक तरह के साधु होते हैं साध्विक लोग होते हैं नागा नागा नृत्य ये भी असम में बहुत ज़्यादा प्रचलित है आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं सेवन सिस्टर की असम उसी में है असम के आगे पड़ेगा मेघालय असम के नीचे पड़ता है मेघालय मेघालय में बांग्ला और लाहो लाहो ये मेघालय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है लाहो बांग्ला इसलिए है क्योंकि बंगाल के पास पड़ता है और बंगाल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल इन तीनों के पास में पड़ता है मेघालय आपको पता होना चाहिए मेघालय ये पश्चिम बंगाल में पास पड़ता है इसलिए बांग्ला यहाँ भी प्रचलित है लेकिन लाहौल एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य ये दोनों नृत्य बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं कौन कौन से मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के नीचे पड़ता है ऐसे में नागालैंड आपको पता है इस तरीके से है इस तरीके से ऊपर है अरुणाचल प्रदेश इसके बाद है नागालैंड फिर है मणिपुर और लास्ट में एकदम पड़ता है मिजोरम एकदम लास्ट में पड़ता है मिजोरम उसके बाद यहाँ पड़ता है जैसे ये हो गया मिज़ोरम तो यहाँ होता है त्रिपुरा यहाँ होता है आपका मेघालय यहाँ पे और इसके ऊपर है असम आपको याद रखना है मैप आपको ज़रूर याद रखना है अगर आपको मैप नहीं पता है तो आप इंडिया के स्टेट के बारे में कभी भी याद नहीं कर पाएंगे बात करते हैं नागालैंड की नागालैंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोंग और लीम कौन कौन सी चोंग और लींग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा है नूरालीम और खव्या ये भी नागालैंड के कुछ लोकप्रिय नृत्य हैं आगे बात करते हैं मणिपुर की मणिपुर ये नागालैंड के नीचे पड़ता है यहाँ पे मणिपुरी ये एक शास्त्रीय नृत्य है कौन सा मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है इसके अलावा राखत हो गया राखाल हो गया महाराज हो गया और नटराज ये भी मणिपुर के कुछ लोकप्रिय नृत्य हैं आगे बात करते हैं मिजोरम की यहाँ पे चेरोकान हो गया खांटम हो गया और पाकुफिला ये तीनों मिजोरम के इंपॉर्टेंट लोकप्रिय नृत्य हैं अब बात करते हैं साउथ के कुछ स्टेट की सबसे पहले बात करते हैं आंध्र की आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी यहाँ का लोकप्रिय एवं शास्त्रीय नृत्य भी है आपको याद रखना है कुचिपुड़ी जो हाईलाइट चीज हाईलाइट हैं और जहाँ लिखा हुआ है शास्त्रीय आपको उनके बारे में याद रखना है क्योंकि वो शास्त्रीय नृत्य भी हैं कुचिपुड़ी अभी मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से शास्त्र सात कितने सात प्रमुख भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ लोक नृत्यों के बारे में कुम्मी हो गया आगे घंटा मरदाला और सिद्धि मधुरी इसके अलावा एक और छेड़ी कौन कौन सा छेड़ी हो गया कुम्मी हो गया घंटा मरदाला हो गया और सिद्धि मधुरी ये आंध्र प्रदेश के कुछ लोकप्रिय नृत्य हैं आंध्र प्रदेश आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर किसके लैंग्वेज बेस्ड आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था कौन सा भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है कर्नाटक की बात करते हैं यहाँ पे यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे है करगा इसके आगे है कुनीता करगा और कुनीता भी इंपॉर्टेंट है लेकिन यक्षगान ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीरगासी और लांबी ये भी कर्नाटक के लोकप्रिय नृत्य हैं अगर आपको आप हमारे डिग्रीकरण की वीडियो देख रहे होंगे तो आप वहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कर्नाटक के जरूर पता होंगे अगर आपको नहीं पता है तो आप लिस्ट में जाइए वहां पर आपके लिए बहुत सारे मेटेरियल अवेलेबल हैं आगे बात करते हैं गोवा की गोवा में एक नदी है नाम सुनाऊंगा आपने मांडवी उसी के नाम पे है मांडी क्या मांडी गोवा का लोकप्रिय लोक नृत्य है खोल हो गया ढकनी हो गया छागोर हो गया इनके अलावा कुछ स्थानीय लोक नृत्य भी हैं गोवा में बात करते हैं तमिलनाडु की मोस्ट इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम क्या भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है इसके अलावा यहाँ पे फेमस है कोलट्टम ये तमिलनाडु के हैं आगे है कावड़ी आपको पता है कावेरी ये तमिलनाडु में है इसीलिए आपको याद सकते हैं कावड़ी का यानी कावड़ी और कोलट्टम आगे है कुमी आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं कंपेयर टू कावेरी रिवर आगे बात करते हैं केरला की केरल में इंपॉर्टेंट दो शास्त्रीय नृत्य हैं सबसे पहला है कथक कली और अगला है मोहिनीअट्टम कथक कली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं इनके अलावा मोहिनीअट्टम ये आंध्रा में भी आता है कहाँ आंध्र में भी आता है मोहिनीअट्टम बात करते हैं ओटम ये भी केरल का कुछ लोकप्रिय नृत्य है आगे बात करते हैं कालीअट्टम आपको अट्टम से रखना है अट्टम ओट्टम आगे है कालीअट्टम फिर है पादयानी और थुलाल ये सारे केरल के लोकप्रिय नृत्य हैं अब मैं आपको बताता हूँ प्रमुख सात शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो कि मैंने आपको पहले बताया आप रिवीजन के तौर पे उसे याद कर सकते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था भरतनाट्यम उसके बाद है कुचिपुड़ी उड़ीसी आगे है कथकली कली कितने के चार अगला है कथक नेक्स्ट है मणिपुरी और लास्ट है मोहिनी अट्टम यानी ये सात भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं इसके अगले वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देने वाला हूँ अगर आप आ, हमारे अगर आप हमारे पिछले जितने भी वीडियोज़ अपलोड नहीं हुई हैं आपने उसे तक अभी नहीं देखा तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ से मिल जाएंगे आप एक बार प्रलिस्ट में जाइए विजिट कीजिए आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं दोस्तों तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही हमारे चैनल ए डी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और तो आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम टू मैक्सम उनको हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके आज के लिए दोस्तों इतना ही जय हिंद